सात जन्म साथ निभाने का वादा सात घंटे भी नहीं निभाया। दो परिवारों को एक करने वाले विवाह संस्कार में दूर दराज से तमाम रिश्तेदारों खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब घर में आई लक्ष्मी ही घर से लक्ष्मी को लेकर गुम हो जाए तो खुशियां गम में बदल ही जाती हैं। हाथरस की सास ने कोतवाली क्षेत्र में लुटेरी दुल्हनों ने एक परिवार को अपना निशाना बनाया और खाने में नशे की दवा खिला लाखों रुपए नगद में सामान लेकर फरार हो गया। हाथरस के कस्बा सासनी पारस टॉप इन के निकट रहने वाले सगे भाइयों दुष्यंत वार्ष्णेय व गौरव वार्ष्णेय की शादी के रिश्ते की पहचान वाले चोरिया ने कराई थी। दोनों भाइयों की शादी की रस्म हाथरस में गली जोड़िया निवासी अपने मामा के घर पर की गई। शादी की रस्म पूरी होने के बाद दोनों भाइयों ने अपने दुल्हन के साथ घर पर, जहाँ नाते रिश्तेदारों के बीच मोली खाई का कार्यक्रम हुआ। अगले दिन देर शाम दोनों दुल्हनों ने रिश्तेदारों और अपने अपने पतियों को चाय और दूध दे दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। अगले दिन दोपहर जब लोग जागी तो उनकी होश उड़ गई, क्योंकि दोनों दुल्हने घर से नकदी गहने मोबाइल आदि सामान लेकर रसोचक कर दी थी। पीड़ित परिवार ने घटना की रिपोर्ट थाना सासनी में दर्ज कराई है। दुष्यंत वार्ष्णेय ने बताया उसकी उसके छोटे भाई की शादी सुनीता सिंह पुत्री राम सिंह निवासी गली नंबर 1 पीतम नगरी मुरादाबाद व लक्ष्मी पुत्री रामपाल निवासी काला डूंगी पीड़ित कोठी हल्द्वानी उत्तराखंड खाल निवासी ग्राम परिंदपुर जनपद बरेली के साथ 25 मार्च को हुई। 23 मार्च को दोनों पूरे परिवार को नशा खाना खिलाकर घर से जेवरात जैसे मोबाइल आदि सामान लेकर घर से फरार हो गई। दोनों भाई ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। दुष्यंत लड़का है, वो उनकी दुकान पे आती थी और दिन से हैगा मेरे से कॉल भी कर रही थी, फिर मैं टाल रहा था मेरे पैसे की बात है और हैगा पैसा इतना वो नहीं हैगा। शादी के बाद जो होना था वो यहाँ पे हम घर पे लेके आए, बाय का था मुँह दिखानी, वो सब रिश्तेदार आए थे यहाँ खूब सबके सामने, हाँ पूरा प्रोग्राम हुआ। फिर भी सब पूरी प्रथा हुई थी, सब रिश्तेदार भी घुसते सब थे। अब 5:15 की बात है, मेरे को एक बार उन्होंने चाय दी, वो चाय हैगा वो मैं चाय इतना पीता नहीं हूँ तो चाय मैंने वो रख दी। अब उन्होंने देखा वो है इन्होंने चाय नहीं पी तो वो हैगा मेरे से बोल रही थी कि हैगा ऐसा है आप दूध पीते हो तो हम तीनों हैगा दूध बना लेते हैं तीनों के लिए, तीनों जने पी लेंगे। मैंने कि जैसा उचित समझो, तो उन्होंने हैगा दूध बनाया, दूध जैसे ही गिलास ठंडा करके मेरे को दिया वो मैंने पी लिया। अब पीने के बाद वो गाय को वो रस्म होती है कि वो गुड़ खिलाते हैं, वो गया मैं तो यहाँ से लहराता हुआ गया, मैंने कि यार क्या हो गया एक साथ पता नहीं। वहाँ से आया तो भाई हैगा चाची के घर पे वो भी बिल्कुल हैगा बेहोश था। मैंने कि भाई उठ उठ, फिर मैं वो वहाँ से उठा के लाया था। चाची भी कुछ कह रही थी पर मेरे को याद नहीं था, बिल्कुल मेरे को पूरा घूम रहा था। अब वो घर पर आया, घर पर आके जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर बैठे बैठे मैं वो बैठा रह गया। हाँ वो मेरे जेब में से 15-20 हज़ार रुपये निकाल के ले गए, घर के तीनों मोबाइल निकाल के ले गए। माई सोई हुई थी, उनकी सोने की झुमकी और पाए और पैर की पाजे। कितना सामान ले गई टोटल? टोटल 3 मोबाइल और जो पहने हुए थे वो ले गई। कंप्लेंट किया पुलिस से? हाँ जी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कार्रवाई जारी है आपकी। अब एक तो मुरादाबाद की बताती है और एक हरिद्वानी है वो काला डूंगी। हाँ हाँ, और दोनों मौसी और ये बहने हैं। हाँ, और इसके साथ एक इटकी इन दोनों की बहन बनके भी आई थी, उसका नाम सोनम है। और इनके साथ में जो बिचौलिया था उसका नाम आदित्य शर्मा पंडित, वो शाहजहाँपुर कैलाश नगर और हथौड़ा चौराया।